मूर्ति देवी कन्या इंटर कॉलेज नजीबाबाद की छात्रा अदीबा शादा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पीसीबी परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल कर स्कूल परिवार का नाम रोशन किया। उनके पिता पत्रकार शायर शादाब जफर ने अदीबा की सफलता पर मूर्ति देवी कन्या इंटर कॉलेज नजीबाबाद की समस्त शिक्षिकाओं प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इससे पहले 6 दिसम्बर 2022 को नगर के वरिष्ठ पत्रकार शादाब जफर की होनहार पुत्री मूर्ति देवी कन्या इंटर कॉलेज नजीबाबाद की कक्षा 11वीं साइंस की स्टूडेंट अदीबा शादाब की हाई स्कूल में प्रथम आने व अंग्रेजी विषय में 88% अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन हेतु MDSI एलुमिनी एसोसिएशन की ओर से अदीबा की पसंद की हुई एक पिंक साइकिल पूर्व चेयरपर्सन नगरपालिका परिषद नजीबाबाद सबीहा निशात और फरेशम खान व पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मुअज्जम खान एडवोकेट के द्वारा संयुक्त रूप से उनके आवास पर नगर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रदान की गयी थी। वही पूर्व चेयरपर्सन सबीहा निशात ने अदीबा को प्रोत्साहित करते हुए अपनी ओर से 2000 रूपए की प्रोत्साहन राशि भेंट की। नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मुअज्जम खान के आवास पर पूर्व चेयरमैन सबीहा निशात उर्फ रेशम की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मुअज्जम खान ने कहा कि शिक्षा से ही तरक्की संभव है। हमें फख्र होता है जब हमारे शहर की बेटियां अपनी उपलब्धियों से शहर का नाम रोशन करती है। इस अवसर पर MDSI एलुमिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल खई, सचिव साधना गुप्ता व कोषाध्यक्ष राजीव गुप्ता व चेयरपर्सन सबीहा निशात और परेशम खान व पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मुअज्जम खान का आभार व्यक्त करते अदीबा शादाब के पिता वरिष्ठ पत्रकार व शायर शादाब जफर ने कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अदीबा ने अपनी इस उपलब्धि से मुझे ये मान सम्मान दिया। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मुअज्जम खान, चेयरपर्सन पुत्र शहबाज खान, शादाब जफर, इसरार अहमद, कवि प्रदीप डेजी, पत्रकार राजपाल चौहान, पत्रकार अल्फाज रजा, कवि साहित्यकार जितेंद्र कंकड़, आदिल मंसूर, पत्रकार नसीम उत्सानी आदि मौजूद रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य की रिपोर्ट। मैं अदीबा शादाब इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ और मैं अपनी टीचर्स और पेरेंट्स का शुक्रिया करना चाहूँगी और अपने फादर का सपना पूरा करना चाहूँगी और डॉक्टर बन के गरीबों की मदद करूँगी। मैं शादाब जफर, आज इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट यूपी बोर्ड का आया है। मैं जो इस एग्ज़ाम में जो बच्चे बच्चियाँ पास हुई हैं, टॉपर हैं या जो पास हुए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज मेरी बच्ची अदीबा शादाब ने भी फर्स्ट डिवीज़न से पीसीबी इंटरमीडिएट पास किया है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सुबह से बेइंतहा फ़ोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर मेरे दोस्त मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं अपनी बच्ची को आगे चलकर डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और ऐसी डॉक्टर बनाना चाहता हूँ जो गरीब दीन दुखियों की फ्री मदद करे, इलाज करे। शुक्रों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।